हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में हम लोग पीएमएम से इंस्ट्रूमेंट को पूरा कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में दूसरे नंबर का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आएगा वो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। पीएमएम से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसके नाम से समझ सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसमें कि परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में एक मूविंग कॉइल को रखा जाता है और इस तरीके का उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन मूविंग आयरन से क्या समझ रहे हैं हम? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक आयरन पीस को रखा जाता है, एक आयरन का प्लेट होता है, जिसकी सहायता से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया जाता है और मेज़रमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं, लेकिन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दो तरीके का होता है। पहला तो है अट्रैक्शन टाइप, जो कि आकर्षण पे काम करेगा। दूसरा है रिपल्शन टाइप। दो तरीके के हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होंगे, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। तो सबसे पहले हम देखेंगे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, एक और क्लियर डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कैसा होता है मूविंग आयरन का स्ट्रक्चर, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो खांचों के बीच में कॉइल्स को लपेट कर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, जिसे एक सप्लाई के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ही यहाँ पर सप्लाई दिया जाता है, इन कॉइल्स में करंट फ्लो होने लगता है और इन दोनों कॉइल्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस किया गया है इस फील्ड को, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये जो दिख रहा है आपको सर्कल, ये जो दिख रहा है एक सर्कल, एक प्लेट जो कि आयरन का बना हुआ है, इसे हम कहेंगे मूविंग आयरन। मूविंग आयरन से ही जुड़ा हुआ एक पॉइंटर रहेगा, जो कि जिसका डिफ्लेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि मूविंग आयरन कितना मूव कर रहा है। मूविंग आयरन से जुड़ा हुआ जो स्पिंडल रहेगा उसमें एक यहाँ पर स्प्रिंग भी लगा रहेगा, एक कंट्रोल वेट है, ये कंट्रोल वेट पॉइंटर के साथ जुड़ा हुआ है और एक स्प्रिंग लगा रहेगा जिससे हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल स्प्रिंग। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन के लिए तो हमारा मूविंग आयरन है, डिस्क है जो कि पॉइंटर को डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। कंट्रोलिंग के लिए क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल। और यहाँ पर डैम्पिंग के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जहाँ पर एक एयर चैम्बर में एक पिस्टन लगा हुआ होता है और एयर के प्रेशर के द्वारा यहाँ पर डैम्पिंग प्रोड्यूस किया जाता है। ये मूविंग आयरन का एक ओवरव्यू है, एक डायग्राम का एक ओवरव्यू है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई मेज़रमेंट करना होता है तो ये जो कॉइल्स में है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स है, यहाँ पर हम किसी भी सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, उस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं जिसे हम मेज़र करने वाले हैं। जैसे हम कोई करंट मेज़र करने वाले हैं, उस कनेक्शन से यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और उसी के हिसाब से जो कंट्रोलिंग और उसी के हिसाब से जो कॉइल वाइंडिंग से हमारे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे यहाँ पर सप्लाई देने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा पीस है ये किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का, और आयरन जो है मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, मतलब आयरन जो है मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित होता है। तो इससे क्या होगा, ये जो मूविंग आयरन पीस है, एक जो आयरन का प्लेट बना हुआ है,
ये इस फील्ड की ओर आकर्षित होगा। ये क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर अंदर आने की कोशिश करेगा। पहले ये आयरन पीस बाहर पे था, अब ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो इस मैग्नेट पीस का जितना अट्रैक्शन होगा उसका पॉइंटर उसी तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर पॉइंटर को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किससे मिल रहा है, मूविंग आयरन के अंदर आने से। मूविंग आयरन जितना अंदर आएगा पॉइंटर जो है हमारा स्केल पर उतना ही ज़ीरो से लेके आगे वैल्यू की ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड में अंदर या बाहर मूव करा के अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन करा के हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये बात ध्यान में रखेंगे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करता है, जबकि हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता था, सिर्फ डीसी के लिए वर्क करता था। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मूविंग आयरन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये किस तरीके का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने नोटबुक पर ड्रॉ कर लीजिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्शन टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। डिटेल से पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन इसका हो गया, अभी डिटेल से पढ़ते हैं कैसे कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, अच्छे से पढ़ते हैं उसको। ये है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में उसके पार्ट्स कैसे होंगे, द कॉइल इज़ फ्लैट एंड हैज़ अ नैरो स्लॉट लाइक ओपनिंग। जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो हम कॉइल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, फ्लैट है, हैज़ अ नैरो स्लॉट लाइक ओपनिंग, और उसे एक स्लॉट में जो है वो प्लेस किया गया है, उस कॉइल को लपेटा गया है। द मूविंग आयरन इज़ अ फ्लैट डिस्क और अ सेक्टर एक्सेंट्रिकली माउंटेड। जो मूविंग आयरन है वो क्या है, एक आयरन का डिस्क है, ऐसे इस तरीके से एक डिस्क बना हुआ है जिसे किसी बीच में स्पिंडल के द्वारा अटैच किया गया है, उसे प्लेस किया गया है उस आयरन प्लेट को। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड द मूविंग कॉइल मूव्स फ्रॉम द वीकर फील्ड आउटसाइड द कॉइल टू द स्ट्रॉन्गर फील्ड इनसाइड इट, और इन अदर वर्ड्स द मूविंग कॉइल इज अट्रैक्टेड इन। डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर जब कॉइल्स में सप्लाई दिया जाएगा तो क्या होगा, फील्ड जो है इस तरीके से अट्रैक्ट होंगी और मैग्नेटिक फील्ड इस स्थान पर ज़्यादा होगा इधर से, तो क्या होगा, आउटर साइड से इनर साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो जो आयरन पीस है हमारा वो वीकर फील्ड से, जो वीक फील्ड है कमज़ोर फील्ड, उधर से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा। दैट्स वाई आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा। सिंपली हम बोल सकते हैं मूविंग आयरन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग्स हर्ट, ग्रेविटी कंट्रोल कैन बी यूज फॉर पैनल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच आर वर्टिकली माउंटेड। यहाँ पर हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग कंट्रोल पढ़ चुके हैं हम, स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग के द्वारा एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का विरोध करेगा। डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाई एयर फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ अ लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन अटैच टू द मूविंग सिस्टम विच मूव्स इन अ फिक्स्ड चैम्बर क्लोज्ड एट वन एंड एज शोन इन फिगर, और विद द हेल्प ऑफ अ वैन अटैच टू द मूविंग सिस्टम विच मूव्स इन अ फिक्स्ड सेक्टर शेप्ड चैम्बर एज शोन। ये थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, इसमें ईजी लैंग्वेज में हम बात करें तो डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए सीधी सी बात है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ कर रहे हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है, एल्यूमिनियम पिस्टन होता है। डैम्पिंग जो है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है,
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एक एल्यूमिनियम का पिस्टन होता है, हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पर हम डैम्पिंग के बारे में पढ़ रहे थे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में कैसे होता था, पॉइंटर को स्टेबल करने के लिए किस तरीके से काम करता था ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। जैसे ही कॉइल जो है, जैसे ही एक पॉइंटर है ये अगर राइट साइड मूव करता था तो एक पिस्टन में, एक बॉक्स में जो पिस्टन है वो क्या होता था, अंदर की ओर जाने लगता था, अंदर की ओर जाने लगता था। अंदर की ओर जाने से अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बाहर के प्रेशर से, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर वो वापस पिस्टन को धकेलने लगता था। और जैसे ही पॉइंटर अगर अपने स्टेबल, और जैसे ही पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव करता था, लेफ़्ट की ओर होता था, तो क्या होता था, पिस्टन हमारा बाहर आता था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर का वो ज़्यादा हो जाता था पिस्टन के अंदर के प्रेशर से। तो इस कंडीशन में क्या होता था, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पिस्टन को वापस अंदर की ओर धकेलने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के, तो इस तरीके से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ करके हम पॉइंटर को एक स्टेबल पोजीशन पर लाते थे। और तो इस तरीके से हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ करके पॉइंटर को एक स्टेबल पोजीशन पर लाते हैं। और क्योंकि ये जो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसमें आयरन पीस फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। आज के क्लास में हम अट्रैक्शन टाइप के मूविंग आयरन का डिस्कस कर चुके हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तब तक के लिए आप इसे अंडरस्टैंड करके नोट कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमें मेज़रमेंट करना होता है उस चीज़ को हम सोर्स के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए। जैसे कि हमें कोई करंट को मेज़र करना है तो क्या करेंगे, उस करंट का फ्लो हम इसी कॉइल में कराएंगे और जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कोई वोल्टेज को मेज़र करना है तो क्या करेंगे, उस वोल्टेज सोर्स को इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़रमेंट करते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।